वहीं खबर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर बस्तर में पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा के नेतृत्व में अवैध नशा कारोबारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि छत्तीसगढ़ से सटे राज्य ओडिशा में गांजे की खेती बड़ी मात्रा में होती है, साथ ही ओडिशा में गांजा बहुत कम कीमत पर मिल जाता है। इसी लालच के चलते दूसरे राज्यों से लोग गांजा की तस्करी करने आते हैं। वहीं मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग ओडिशा से जगदलपुर के रास्ते दूसरे राज्य में गांजा ले जाने की योजना बना रहे हैं, वहीं जिस पर दरभा पुलिस द्वारा चेक पोस्ट बनाया गया। वहीं मोटरसाइकिलों की जांच करने पर अवैध गांजा बरामद हुआ है। वहीं दूसरे मामले में परपा पुलिस ने मोटरसाइकिलों पर अवैध गांजा ले जा रहे लोगों की जांच की तो उनके पास से भी अवैध गांजा बरामद हुआ। वहीं दोनों मामलों में पुलिस ने 60 किलो अवैध गांजा जब्त किया है जिसकी अनुमानित कीमत 6 लाख रुपए आंकी गई है। वहीं सभी आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत 20 की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है, उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। जगदलपुर से विजय पचौरी की रिपोर्ट।